हेलो फ्रेंड, मैं प्रकाश बरनवाल आपका स्वागत करता हूँ ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्त, आप लोग का अभी बेलन और शंकु वाला क्लास पिछले ही क्लास में ख़त्म हुआ है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इकाई नंबर 13, चैप्टर नंबर 13। ठीक है दोस्त, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसको। आप लोग देखिएगा और समझिएगा, यह द्विघात समीकरण है। बस इसमें द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ना है और वर्ग के बारे में पढ़ना है। जैसे अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 दे देता है तो एक्स के दो वैल्यू मिलते हैं, एक प्लस में एक माइनस में। अगर द्विघात समीकरण दे देता है, द्विघात समीकरण क्या होता है ध्यान से देख लीजिए। पहले द्विघात समीकरण ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि, चर और अचर, कांस्टेंट और वेरिएबल आप लोग पढ़े होंगे। कांस्टेंट मतलब ऐसा वैल्यू होता है जिसका मान कभी चेंज नहीं होता, जैसे एक से लेकर गिनतियाँ हो जाती हैं क्रम से आने वाली, इसकी वैल्यू कभी नहीं चेंज होती है, इसे हम बोलते हैं कांस्टेंट वैल्यू। और होता है वेरिएबल। वेरिएबल मतलब अगर एक्स स्क्वायर इजकल टू 4 है, कभी वाई स्क्वायर इजकल टू 4 हो जाता है, कभी एक्स स्क्वायर इजकल टू 16 हो जाता है, मतलब एक्स के अनेकों वैल्यू मिल जाते हैं। तो ऐसे वैल्यू जिनके अनेकों वैल्यू होते हैं, उनके मान चेंज होते रहते हैं जगह जगह पर, उसे बोला जाता है वेरिएबल, यानी कि अचर राशि। और चर राशियाँ वह राशियाँ होती हैं जिनके वैल्यू, सॉरी, वेरिएबल मतलब कि चर राशि, वेरिएबल मतलब चर राशि, मतलब कि हमेशा चेंज होते रहते हैं। अचर मतलब कांस्टेंट, जो कि हमेशा स्थिर होता है, जैसे एक से लेकर इनफाइनाइट तक काउंटिंग हो जाता है ना। इसको आप लोग ध्यान से नोट कर लेंगे कॉपी पे। आज हम देखते हैं द्विघात समीकरण क्या होता है और वर्ग समीकरण क्या होता है। इसमें हम लोग यही पढ़ेंगे इस वाले चैप्टर में। इससे पहले एक ज़रूरी बात कर लेते हैं हम लोग से, अगर वीडियो का रिजोल्यूशन, अगर वीडियो आप लोग देखते हैं यूट्यूब पर, अगर इसका रिजोल्यूशन आपको धुंधला टाइप में दिखता है, देखने में धुंधला दिखता है, तो आप लोग जब यूट्यूब पे वीडियो चलाते हैं तो वहाँ पे ऊपर ऑप्शन होता है, अगर उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे आ जाता है प्लेबैक स्पीड, एक आता है इस प्ले स्पीड करके आता है, तो उसमें अगर आप लोग को मेरी आवाज़ तेज़ धीम लगती है तो अपने अनुसार उसको सेट कर सकते हैं। और एक आता है ऑप्शन में जो कि आप लोग का 360 मतलब MB बढ़ा देता है, मेगापिक्सल बढ़ जाता है, आप लोग अच्छे से देख सकते हैं उस वीडियो को, रिजोल्यूशन अच्छा आ जाता है। तो 360 पे देखेंगे तो और अच्छा आएगा। वैसे 260 144 की वीडियो 144 पे चलना ही स्टार्ट हो जाती है स्टार्टिंग में, क्योंकि नेट स्लो होता है तो 144 पे चलता है, जिससे कि वीडियो की क्वालिटी ख़राब आने लगती है। तो आप लोग क्या करेंगे, उसको बढ़ा लेंगे 244 या 280 होता है शायद, 280 भी कर लेंगे, 360 पे, और एक 480 होता है, 480 नहीं, आप लोग 360 पे करके देखेंगे तो अच्छी क्वालिटी दिखेगी, क्योंकि कुछ दिनों से प्रॉब्लम आ रहा है यूट्यूब में, तो इस वजह से थोड़ी सी क्वालिटी डाउन हो जाती है, तो बच्चे जो हैं कंप्लेन करते हैं, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो बोले हैं आप लोग कर लीजिएगा वैसे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं द्विघात समीकरण। देखिए द्विघात समीकरण क्या होता है और वर्ग। वर्ग मतलब किसी का, अगर कोई वेरिएबल है, कोई चर राशि है, जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 दे देता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 दे देता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 दे देता है, तो एक्स के दो वैल्यू उनको मिलते हैं। जब एक्स स्क्वायर है, ध्यान से देखिएगा, पहले वर्ग समझ लीजिए। वर्ग क्या होता है, मतलब कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू के, एक्स स्क्वायर इक्वल टू के, या किसी का वर्ग है, एक्स स्क्वायर वर्ग है जिसकी वैल्यू यहाँ पे दिया गया है। अगर यहाँ पे के की हमको एक्स की वैल्यू निकालनी होगी तो एक्स की दो वैल्यू आएंगे, क्योंकि जब हमको एक्स का वैल्यू, या तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू है, जब हम एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो दोनों तरफ क्या करेंगे, रूट कर देंगे, दोनों तरफ रूट स्क्वायर रूट कर देते हैं। तब इधर जब रूट करेंगे तो हमको पता है, तो एक्स स्क्वायर और इधर भी आ जाता है रूट के, यही तो होता है। अब इधर एक्स स्क्वायर है, एक्स का पेयर बन जाता है, पता है, जब रूट में, रूट से वैल्यू तभी बाहर आती है जब पेयर बन जाता है। अगर क्यूब रूट होता है, घन होता है, घन मूल पढ़ा है ना स्टार्टिंग वाला चैप्टर, देखिए आप लोग मूल पढ़ाया गया है, या दूसरा मूल है जिसे हम लोग कर्णी कहते हैं, कर्णी वाला चैप्टर में पूरा पढ़ाया गया, आप लोग उसको चेक करिए, वहाँ पर जाके अच्छे से उसको सीखिए, अगर जो लोग को, जिस लोग को नहीं पता है, ठीक है, तो आप लोग उसको वहाँ पे सीखिए। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो अब देखिए यहाँ पे कड़ी लगा दी, इधर भी कड़ी लगा दी, दोनों तरफ हम लोग वर्गमूल इसका क्या निकाल दिए, हम लोग कड़ी लगा दिए, कड़ी लगा दिए, तो यहाँ पे पेयर बन गया अंदर दो का, मतलब यक्स गुड़े यक्स जब पेयर बन जाता है दूसरे मूल वाले में, यहाँ पे दो है, अगर यहाँ पे तीन रहता, क्यूब रूट रहता तो तीन का पेयर बनता, लेकिन यहाँ पे क्या है, वर्ग है, वर्ग है, इस वजह से दो का पेयर बना है। ठीक है, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, घन निकाल रहे हैं, क्यूब निकाल रहे हैं, सॉरी, हम लोग कर्णी निकाल रहे हैं, केवल एक दो मूल का, जब दो मूल का है तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे यक्स आ जाएगा, यक्स गुड़े यक्स यानी कि एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, रूट में प्लस माइनस कर्णी में के। अब देखिए यक्स यहाँ पे दो वैल्यू आ गई, एक आ गया प्लस एक प्लस के, और एक आ गया माइनस रूट के, यानी कि यक्स का दो वैल्यू मिला कि नहीं, एक में प्लस रूट के
और दूसरे में मिला x इक्वल टू माइनस रूट के। बस यही चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है, हमेशा जब भी घन दिया रहेगा, सॉरी रूट दिया रहेगा, रूट दूसरा मूल्य यानी जब दिया रहेगा तो आप लोग को दो वैल्यू मिलेगा, एक प्लस में एक माइनस में, स्क्वायर में, जब हम लोग दोनों पक्षों का निकालते हैं। जैसे अगर x स्क्वायर इक्वल टू 16 हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों तरफ का हम लोग रूट लेंगे, जब दोनों तरफ रूट लेंगे तो यहाँ पे रूट में x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे रूट में हो जाएगा 16, यही तो होगा। अब यहाँ पे x स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 16 हो गया, अब दोनों तरफ हम देख रहे हैं 4 का स्क्वायर है 16 और ये x का दो पेयर बन गया, x वेरिएबल है, चर राशि है, ठीक है। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x एक बाहर आ जाएगा, x गुड़े x बराबर x स्क्वायर, 4 गुड़े 4 बराबर 16, ठीक है। तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 4, मतलब x के दो वैल्यू, एक प्लस में एक माइनस में। अगर यही प्लस माइनस नहीं लगाएंगे तो क्वेश्चन आप लोग का जो बनेगा आंसर गलत आ जाएगा ना, काट दिया जाएगा एग्जामिनर द्वारा, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। तो यह तो रहा वर्ग का फंक्शन। अब लेकिन हम लोग देख लेते हैं क्या होता है गुणनखंड विधि से, हम लोग द्विघात समीकरण को जब सॉल्व करते हैं तो क्या होता है द्विघात समीकरण, पहले उसको देख लेते हैं। ऐसा बहुपद, बहुपद मतलब एक एक पद वाला, द्विपद वाला, त्रिपद वाला, और बहुपद मतलब सारे को मिक्स करके आता है। एक पद मतलब किसी एक पद हो, जैसे यक्ष हो जाए, एक पद बहुपद है, एक पद वाला बहुपद है, टू यक्ष हो जाए तो एक पद वाला बहुपद है, अगर यहाँ पे यक्ष स्क्वायर प्लस वन हो जाए तो यह द्विपद आ गया, तो दो पद बहुपद बोल देंगे इसे, ठीक है। अगर इसी जगह इसी को द्विघात समीकरण भी बोल देते हैं, द्विपद बहुपद आ गया। अब त्रिपद मतलब यहाँ पे अगर एक यक्ष आ जाता है और यहाँ पे वन आ गया, बाई द वे अगर आप लोग देखें इसे लीनियर इक्वेशन भी क्या होता है उसके बारे में बाद में चर्चा करते हैं, पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन यह त्रिपद बहुपद हो गया। लेकिन अगर बोल दें बहुपद क्या होता है, तो बहुपद मतलब एक ऐसा पद जिसमें यक्ष ही हो, यक्ष के क्रम से पद आए हुए हों, यक्ष स्क्वायर, यक्ष फिर वन, या फिर यक्ष क्यूब, यक्ष स्क्वायर, यक्ष फिर वन इक्वल टू जीरो, या फिर पी एक्स इक्वल टू जीरो, क्योंकि पूरे बहुपद को हम लोग एक वेरिएबल मान लेते हैं, पी एक्स या फिर कुछ भी जेड एक्स कुछ भी मान सकते हैं, अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बहुपद क्या होता है आप लोग को समझ में आ गया होगा, यक्ष के अनेकों पद वाले को हम लोग बहुपद बोलते हैं, या फिर वाई के अनेकों पद वाले को बहुपद बोलते हैं। वेरिएबल में यह मत बोलिएगा सर यक्ष के ही बारे में बात करें, वेरिएबल हम यहाँ पे यक्ष लेके यक्ष मान के कर रहे हैं, अगर आप लोग वाई मान के करेंगे तो वाई मान के भी कर सकते हैं चर को, ठीक है। वेरिएबल मीन्स चर राशि, जो चरते भी चरते रहते, चर से आप लोग ऐसे याद कर लेंगे चरते रहते हैं, मतलब इनकी हर जगह वैल्यू चेंज होती रहती है, बदलती रहती है ना, तो ये हो गया। चलिए हम लोग द्विघात समीकरण की बात कर लेते हैं। द्विघात ऐसा बहुपद है जिसमें चर राशि का उच्चतम घातांक दो हो, अगर तीन घात वाला है, मतलब अगर त्रिघात है उसमें तीन हो जाएगा, जब द्विघात की बात हो रही है तो उच्चतम घात जो होगा दो होगा, बस आप लोग को इसी जगह तक पढ़ना है, तीन घात वाला नहीं पढ़ना है, आप लोग के सिलेबस में नहीं है। तो दो हो तो द्विघात समीकरण करते हैं, जैसे अगर पी एक्स लिख दें, पी एक्स बराबर जीरो, यानी कि जब हम पी एक्स के पद के घातों के घटते क्रम में लिखें, अगर पी एक्स के घातों को घटते क्रम में लिखें तो उनके योग को जीरो के बराबर कर देते हैं, वही हो जाता है आप लोग का द्विघात समीकरण, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको मान लिए पी एक्स है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, जीरो के बराबर कर दिए। द्विघात है तो मैक्सिमम दो घात रहना चाहिए, अब घटते क्रम में एक्स के पावर ए दो है, फिर एक्स के पावर एक है, फिर एक्स के पावर जीरो है। सी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिएगा सी गुणे एक्स के पावर जीरो बराबर जीरो, एक्स की पावर जीरो या फिर किसी नंबर की पावर जीरो जो जब हो जाता है तो उसकी वैल्यू वन आ जाती है, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, ठीक है। ये आप लोग का द्विघात समीकरण हो गया, आप लोग इसको नोट करेंगे, यहाँ तक नोट करेंगे फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब यहाँ से कुछ सीखना नहीं है, अब यहाँ से बस क्वेश्चन सॉल्व करना है आप लोग, क्वेश्चन जितना ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं उतना ज़्यादा अच्छा है, वर्ग वाला क्वेश्चन और द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि से समीकरण, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं ना, तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। ये जो चैप्टर है आप लोग का डीएलएड का, डीएलएड के जितने भी चैप्टर्स हैं सब बहुत सारे एग्जाम में आते हैं, जरूरी नहीं केवल डीएलएड में, डीएलएड में बस यही है कि थोड़ा बेसिक दिया हुआ है, ये तो हर एग्जाम में आते हैं ना। चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे कि वर्ग के रूप में हमने समझा था अभी, एक्स स्क्वायर
इक्वल टू के है, तो इसके रूप में पहले कैसे क्वेश्चन बनते हैं उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा, जैसे दे दिया यक्स स्क्वायर बराबर 9, तो आप यक्स की वैल्यू बताइए। यक्स की वैल्यू बताएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा, ये वर्ग वाला है, ऊपर वाला वर्ग समीकरण है, वर्ग समीकरण का एक रूप है। तो यक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, यानी कि यह किसका रूप है, यक्स स्क्वायर इक्वल टू के का रूप है। तो यहाँ से दोनों तरफ का क्या लेंगे, रूट ले लेंगे, कर्ड़ी ले लेंगे, दूसरा मूल्य लेंगे कर्ड़ी का, तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर बराबर रूट में 9। दोनों तरफ रूट लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो जब फर्क नहीं पड़ा तो यहाँ पे हमको पता है यह यक्स गुड़े यक्स है या 3 गुड़े 3 है, यानी कि यक्स गुड़े यक्स, देखिएगा आप लोग ध्यान से, यक्स गुड़े यक्स बराबर 3 गुड़े 3 है। अब यहाँ पे एक पेयर बन गया 3 का, यहाँ पे एक यक्ष का पेयर बन गया। अब अगर वर्गमूल निकाल रहे हैं, वर्ग निकाल रहे हैं किसी का, मतलब रूट जब निकाल रहे हैं, क्यूब 2 होता है इस वजह से रूट बोलते हैं ना, अगर 3 हो जाता है तो क्यूब रूट बोल देते हैं। तो जब हम रूट निकाल रहे हैं तो जब भी रूट आ जाता है तो आप लोग को स्टार्टिंग बताए थे प्लस माइनस 3 इसका आंसर हो जाएगा, है ना, प्लस माइनस 3 हो जाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए इसी तरह और क्वेश्चन लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो जाएगी ना हम लोग का। चलिए अब देखिए, 9x स्क्वायर इक्वल टू 16, यहाँ पे x का वैल्यू बताना है। जब x का वैल्यू बता, यह सब आपका वर्ग का ही रूप है, इसको समझते चलिए। अब यहाँ पे 9 आ गया, अब 9 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, यानी कि x स्क्वायर बराबर 16/9 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए x स्क्वायर है, अब दोनों तरफ का रूट ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x, रूट लेंगे तो x बचेगा, और यहाँ पर आ जाएगा रूट में 16/9, यही तो होगा, समझ रहे हैं कि नहीं, यही होगा। अब 16/9 हमको पता है 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, 4 गुड़े 4। 9 किसका स्क्वायर हो जाता है, 3 गुड़े 3 का, यानी कि 3 गुड़े 3। अब यहाँ पे दो पेयर ऊपर बन गया, नीचे भी एक पेयर बन गया, 4/3 इसका आंसर हो जाएगा, नहीं, प्लस माइनस 4/3 क्या होगा, प्लस माइनस 4/3, ये आप लोग नोट करते चलिए। और क्वेश्चन लेते हैं, देखिएगा, फिर उसके बाद द्विघात समीकरण वाला भी करेंगे, द्विघात समीकरण में कैसे क्वेश्चन आते हैं उसको भी देखेंगे। पहले सारे क्वेश्चन कर लेते हैं इस टाइप्स के, देखिएगा, है ना, एक दो क्वेश्चन हम अपने मन से ले लेते हैं, इसमें तो बहुत कम क्वेश्चन दिए हैं। देखिएगा, जिसके रूट नहीं निकलते हैं, जैसे अगर x स्क्वायर बराबर 18 दे दिया, अब 18 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, 18 किसी का वर्ग नहीं होता, जैसे 4 का वर्ग 16, उसी तरह 18 किसी नंबर का वर्ग नहीं होता है। हम लोग को पता है 4 का वर्ग 16 हो जाता है, तो आसपास ऐसी कोई नंबर ही नहीं भटकता 25 से लेकर 16 तक, कि 25 से मतलब 16 से लेकर 25 तक ऐसा कोई नंबर ही नहीं है, 16 और 25 के बीच में, कि जो किसी नंबर का वर्ग हो, ऐसा कोई नंबर है तो बताइएगा, वैसे है नहीं, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर बराबर 18 हो गया, पूर्ण वर्ग की बात कर रहे हैं दोस्त, पूर्ण वर्ग की बात कर रहे हैं, वैसे तो हजारों वर्ग बन सकते हैं उन दोनों के बीच में, है ना। अब देखिए, x स्क्वायर बराबर जब 18 है, दोनों तरफ का जब रूट ले लेंगे तो इधर x बचेगा और इधर रूट में 18 आ जाएगा। अब 18 का हम लोग 2 गुड़े 9 लिख देते हैं, 2 गुड़े 9 या फिर 2 गुड़े 3 गुड़े 3 रूट में, 2 गुड़े 3 गुड़े 3। अब 3 का तो पेयर बन गया लेकिन 2 का नहीं बना, तो 2 को रूट में ही रहने देते हैं, x इक्वल टू 3 बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस 3 रूट में 2, यही आंसर हो जाएगा, है ना, आप लोग इसको नोट करिए। चलिए अब एक थोड़ा सा और क्वेश्चन ले लेते हैं, अच्छा वाला, अच्छा क्या कहिए, बस सॉल्व करते रहिए, सब क्वेश्चन अच्छे हैं। x स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0 दिया है, जब बराबर 0 दिया है, माइनस 25 से 25 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर 25 हो जाएगा, यही तो होगा, यही होगा ना। अब यहाँ पे दोनों तरफ रूट ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x, इधर बचेगा प्लस माइनस 25, मतलब रूट में 25। अब यह रूट जब बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा, यानी कि x इक्वल टू प्लस माइनस 5, इसको लिख सकते हैं ना, 5 गुड़े 5, 5 बजे 25, यानी कि 1 5 बाहर आ गया पेयर बना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। स्क्वायर का वीडियो कैसे ट्रिक निकलता है, स्क्वायर वाला सारा वीडियो है, आप जाइए प्ले लिस्ट में, वहाँ पे देखिए, प्ले लिस्ट में जाइए, क्यूब रूट सारे हैं जी, हम कितना बताएं आपको, करीब 25
25 के आसपास में होंगे वीडियो, 20-25 के आसपास में होंगे, और तो जा ही रहे हैं, डेली जा रहा है, डेली एक दो दिन गैप करके जा रहा है वीडियो, आप लोग देखिए उसे, है ना। चलिए, अगर ऐसा अगर हम लोग सॉल्व कर लिए तो हम लोग चलते हैं द्विघात समीकरण पर, या फिर कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं थोड़ा सा, रुकिए तो। हाँ चलिए, अब देखिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, एक आयताकार भाग की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। एक आयताकार, ध्यान सुनिएगा, एक आयताकार आयत मतलब लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होगी, लंबाई और चौड़ाई को विड्थ बोल देते हैं, डी से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, डी से। अगर एक आयताकार भाग की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, एक आयताकार भाग की लंबाई जो है उसकी चौड़ाई की, अगर चौड़ाई को हम लोग डी बराबर एक्स मान लेते हैं, डी बराबर अगर एक्स मान लेते हैं, मैथ ऐसा सब्जेक्ट है दोस्त ना, उसे मानना ही पड़ता है, लोग कहते हैं सर कितना मानते हैं, नहीं मानना तो पड़ेगा ही ना, मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, मानिए, तो डी इक्वल टू एक्स मान लेते हैं, तो बोला जा रहा है जो लंबाई है उसकी चौड़ाई का कितना है, चौड़ाई का 3 गुना है, चौड़ाई का 3 गुना, जब चौड़ाई एक्स है तो लंबाई कितना हो जाएगा, एल इक्वल टू 3x है, जब 3 गुना है तो 3x हो गया। यदि बाग की बाग का क्षेत्रफल 343 वर्ग मीटर है, बाग का क्षेत्रफल यानी एरिया, एरिया दे दिया है हमें 243, अब बताएंगे 243 किसका स्क्वायर, किसका स्क्वायर तो नहीं होता है, चलिए अभी सॉल्व करते हैं, कितना हो गया 243 हो गया, 243 हो गया किसका, इस बाग की, पूरा बाग का एरिया, तो हमको बताना है तो बाग की लंबाई कितनी है, बाग की लंबाई यानी कि एल का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। अब देखिए एल इंटू डी आयताकार, आयताकार चित्रण का क्या हो जाता है, एरिया हो जाता है एल इंटू डी, लंबाई गुणे चौड़ाई दे दिया है 243, अब हमको पता है लंबाई चौड़ाई का 3 गुना है, अगर चौड़ाई हम लोग ले लिए हैं एक्स, लंबाई हो जाएगा 3x, यानी कि 3x गुणे एक्स बराबर 243। देखते चलिए ध्यान से, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से हम इसको रिवाइज कर देंगे एक बार, ठीक है, देखते चलिए, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है दोस्त, नहीं समझ में आएगा, अगर पीछे से आप लोग समझते चलना है, स्टार्टिंग से देख रहे हैं, लास्ट तक बने रहते हैं, सबसे बड़ी बहादुरी है लास्ट तक बना रहना। कुछ स्टूडेंट होते हैं बीच में छोड़ के चले जाते हैं, वह सिर्फ यही देखने आते हैं सर कैसा पढ़ा रहे हैं, यहाँ वहाँ देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोग एक जगह बनिए, ठीक है, अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे 3x² हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3x², यहाँ पर हो जाएगा 243, अब x इंटू x 3x², अब यहाँ पे 3 है तो 3 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, इधर मल्टीप्लाई करा, इधर जाकर डिवाइड करेगा, यानी कि x² = 243/3, 3/24, 3×1, 3 से एक बार में कट गया ना, 3×3 एक नहीं, यहाँ पे x² = कितना आ गया 81 आ गया, अब x² = 81 आ गया तो अब x² कितना आ जाएगा, दोनों तरफ रूट ले लीजिए, तो आपको पता है 9×9 होता है, 9×9 होता है, 81 का 9×9 यानी कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा ±9। अब x का वैल्यू जब ±9 आ गया तो d कितना हो जाएगा, d बराबर x है तो इसका चौड़ाई कितना हो जाएगा 9, लेकिन लंबाई d का 3 गुना है तो लंबाई कितना हो जाएगा 3×9 यानी कितना हो जाएगा 27, ठीक है, तो 27 क्या मीटर है कि सेंटीमीटर है, मीटर दिया हुआ, सब मीटर में दिया है, जो एरिया है मीटर स्क्वायर में है और यह मीटर में आ जाएगा और यहाँ भी मीटर में है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यह वर्ग वाले पे ही क्वेश्चन था थोड़ा सा जिसको हमने बात कर लिया यहाँ पे, अब हम चलते हैं वर्ग समीकरण, जो द्विघात समीकरण है ना उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिएगा, देखिए आप लोग देखते चलिए, जब कभी कोई क्वेश्चन लेकर सॉल्व करते हैं, देखिएगा जैसे एक इक्वेशन कोई भी बना लेते हैं, जैसे a प्लस बी है, देखिएगा आप लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी का इंटू a प्लस बी से, यही तो चीज़ है, सेम ही तो होता है, स्क्वायर का मतलब द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण ही तो आएगा द्विघात वाला, ठीक है, a² + b² यही तो आएगा। तो अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है, या फिर अगर हम लोग यहाँ पर a के प्लेस पर तीन कर लेते हैं चलिए, सॉरी b के प्लेस पे अगर 3 कर लें तब देखिए, चलिए 3 बना लेते हैं, यहाँ पे कोई नंबर बना लिए, समझाने के लिए बना दिए हैं, a प्लस 3 का होल स्क्वायर
आप लोग को फार्मूला पता होगा क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी। अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो बस वही चीज़ है, अगर हम लोग इसको ब्रेक कर दें ए प्लस तीन को, ए प्लस तीन इंटू ए प्लस तीन, यानी कि अगर कोई नंबर यहाँ पे एक्स है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स इंटू एक्स में लिख लिए हम, ठीक है। अब इसका गुणा कर दें एक दूसरे में, ठीक है। अगर इसका उठाते हैं, ए का उठाते हैं पहले ए में, फिर ए का उठाते हैं तीन में, फिर इसी तरह तीन को उठाएंगे ए में करेंगे, फिर तीन का तीन में करेंगे, बारी बारी से सब में करते हैं। तो पहले ए का उठाते हैं ए में किए तो ए इंटू ए, ए स्क्वायर हो गया। अब इसी तरह ए का उठाएंगे तीन में करेंगे तो तीन इंटू ए, तीन ही हो जाएगा। इसका बारी खत्म हो गया, दोनों में हो गया। अब इसकी बारी स्टार्ट होती है तीन की, तो इस वाले तीन का ए में करेंगे तो प्लस तीन ए फिर से आ गया, फिर ये तीन का इस तीन में करेंगे जो दूसरे वाले का है, तो तीन तीन का नौ आ जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस तीन तीन छः ए प्लस नौ, यही तो है आप लोग का द्विघात समीकरण जिसमें दो घात मिल जाए, है ना, यही तो है। चलिए अब अगर इतना समझ में आया है तो हम लोग क्वेश्चन पे डायरेक्ट चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना। चलिए देखिएगा दोस्त, एक क्वेश्चन दिया हुआ है यक्स माइनस फाइव और यक्स माइनस सेवन बराबर जीरो बोला, इसको द्विघात समीकरण के रूप में चेंज करिए, तो बस गुणा कर देना है, इसको उठाना इसमें मल्टीप्लाई यक्स वाले में, फिर यक्स का सेवन में, फाइव का यक्स में, फिर फाइव का सेवन में। साइन का ध्यान रखेंगे, माइनस और प्लस का, देखिए कैसे कर रहे हैं। यक्स का जब यक्स में करेंगे पहले तो यक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस एक्स इंटू प्लस एक्स, यक्स स्क्वायर, ठीक है। एक चीज़ देखिएगा, जब प्लस का प्लस में गुणा होता है तो हमेशा प्लस आता है, इस बात को ध्यान से रखिएगा। जब माइनस का गुणा प्लस में होता है, माइनस नंबर का गुणा प्लस नंबर में होता है तो हमेशा माइनस आता है, या फिर प्लस का गुणा माइनस में होता है, माइनस वाले नंबर में होता है, तब भी हमेशा माइनस ही आता है, है ना। और जब माइनस का गुणा किसी माइनस वाले नंबर से हो जाता है तो हमेशा प्लस आता है। तो एक बात गांठ बांध के रख लीजिए, जब सेम सेम साइन होंगे, जब सेम सेम साइन के होंगे, या फिर माइनस माइनस या फिर प्लस प्लस, तो हमेशा प्लस आएगा। जब डिफरेंट डिफरेंट, माइनस का प्लस में या फिर प्लस का माइनस में जब गुणा होगा तो हमेशा माइनस आएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे आपको एक समीकरण बनाना है सिर्फ। तो x का मल्टीप्लाई x कर दिया तो x स्क्वायर आ गया, फिर x का माइनस सात में करेंगे तो माइनस सात एक्स, फिर माइनस पाँच का x में करेंगे तो माइनस पाँच एक्स, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस था, तो माइनस प्लस माइनस, इस तरह यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस था, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस सात एक्स हो गया। अब माइनस पाँच का माइनस सात में, माइनस माइनस प्लस, सात पच्चे पैंतीस बराबर जीरो। यहाँ पे देखेंगे तो यक्स स्क्वायर माइनस सात माइनस, माइनस माइनस ऐड होके भी माइनस, जैसे कि हम लोग किसी से उधारी ले लिए दस रुपये, फिर उधारी ले लिए दस रुपये, इस तरह उधारी ले रहे हैं तो पॉजिटिव थोड़े पास हमारे पास आएगा, पॉजिटिव पैसा तो नहीं बचेगा हमारे पास ना। जब उधारी ले लिए दस रुपये, फिर से उधारी ले लिए, तो वह ऋण चढ़ेगा हमारे ऊपर ना, तो ऋण चढ़ेगा, तो माइनस दस एक बार लिए, फिर माइनस दस एक बार ले लिए, तो कितना हो गया, माइनस बीस हो गया। तो वह तो प्लस होगा, लेकिन माइनस में हमारे ऊपर ऋण चढ़ रहा है, मतलब हम कर्जदार बनते जा रहे हैं। इसी तरह जब माइनस सात है, माइनस पाँच है, एक बार माइनस सात, एक बार फिर माइनस पाँच, तो माइनस सात माइनस पाँच माइनस में ही होगा, बस ऐड हो जाएगा। तो माइनस सात प्लस माइनस पाँच, सात तीन दस दो बारह, माइनस बारह एक्स प्लस पैंतीस बराबर जीरो, ठीक है। यह द्विघात समीकरण हमको मिल गया। एक तो ऐसा क्वेश्चन दे देता है और एक द्विघात समीकरण देकर एक्स की वैल्यू पूछेगा, उसको भी देखते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन दिया हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस सात एक्स प्लस दस बराबर जीरो को हल कीजिए, मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड करिए। ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस सात एक्स प्लस दस बराबर जीरो, इसको हल कीजिए, इसका एक्स की वैल्यू फाइंड करिए। एक्स के दो वैल्यू आएंगे, एक प्लस में आएगा, एक माइनस में आएगा। तो एक्स स्क्वायर, अब देखिएगा यहाँ पर समझने वाली चीज़ है कि जो यहाँ वाला नंबर होता है, जो यहाँ वाला नंबर होता है दोस्त, वह प्लस करने पे आता है, और जो यहाँ वाला नंबर होता है वह गुणा करने पे, सॉरी गलत हो गया, दस हो गया ना, पाँच दूनी दस, हाँ सही है। और यहाँ वाला जो नंबर होता है वह गुणा करने पे आना चाहिए, मतलब कोई ऐसा दो नंबर ढूंढिए जिसको गुणा करें तो दस आ जाए, और दोनों को आपस में जोड़ें या फिर माइनस करें तो सात आ जाए। तो हमारे पास दो ऐसे नंबर हैं, एक पाँच है, एक दो है,
यही दो नंबर है ना, तो 5 दूनी 10, 5 प्लस 2 7 हो गया, तो यक्स स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे 5 प्लस 2 का इंटू यक्स, 7 को लिख दिए 5 प्लस 2 इंटू यक्स। अब यहाँ पे प्लस 5 गुणे 2 लिख देंगे, कोई वैल्यू में चेंज आया नहीं आया, चेंज नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पे यक्स स्क्वायर है, यक्स स्क्वायर ही रहेगा, और यहाँ पे 5 इंटू यक्स 5x प्लस 2 इंटू यक्स 2x प्लस 5 दूनी 10, मामला सेट है। जब सेट है तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, यक्स कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, प्लस का 2 कॉमन है। जब यक्स कॉमन है तो यक्स को कॉमन कर लिए, बचेगा यक्स प्लस 5, और यहाँ पे प्लस 2 कॉमन है तो 2 को कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 2 पचे 10, 2 बाहर आ गया यहाँ से, तो यहाँ पे यक्स बचा 2 पचे 10, तो 5 बचेगा अंदर बराबर 0। अब देखिए इसमें इसमें क्या कॉमन है, यक्स प्लस 5 कॉमन है, बचा क्या, यहाँ पे x बचा, यहाँ पे 2 बचा प्लस का, तो बचेगा x प्लस 2 बराबर 0। इसके पिछले वाले क्वेश्चन में ऐसा रूप दिया था और ऐसा पूछ लिया था, इस वाले क्वेश्चन में ऐसा दिया है, x का वैल्यू पूछा हुआ है, तो x के 2 वैल्यू मिलेंगे, x प्लस 5 एक बार 0 के बराबर कर देंगे, x प्लस 2 को एक बार 0 के बराबर कर देंगे, तो x प्लस 5 बराबर 0, यानी कि प्लस 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 5, x की एक वैल्यू माइनस 5 आ गई, और दूसरा वैल्यू यक्स प्लस 2 बराबर 0, यानी यक्स का दूसरा वैल्यू कितना आ जाएगा, यक्स बराबर माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, नोट करिए आप लोग इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टाइम भी देखते रहें कितना हो रहा है, ज़्यादा ना होने पाए। अब देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है इसी तरह है, जैसे कि x की वैल्यू निकालनी है हमें, दोनों हल हल कीजिए बस लिखा हुआ है, तो हल कीजिए इसको भी। देखिए क्या हल करना है, x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। अब ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिसका मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए, और उसी दोनों नंबर को प्लस या फिर माइनस करें तो हमको क्या मिले, 1 मिल जाए। यहाँ पे जो इसका फैक्टर है, इसका यक्स का गुणांक है, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, 1 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वही नंबर मिल जाता है ना, इसी तरह यक्स के आगे भी 1 छिपा हुआ है, तो यहाँ पे 1 हम मान के चलेंगे। ठीक है, तो ऐसा कोई दो नंबर ढूंढिए जिसको गुणा करें तो माइनस 6 आए, माइनस 6 साइन के साथ, पिछला में प्लस था इस वजह से हम कुछ नहीं बोले, इस बार माइनस 6 है, माइनस है तो माइनस के साथ बोल रहे हैं, तो माइनस 6 आना चाहिए, और उसी दोनों को जब ऐड करेंगे या फिर माइनस करेंगे तो क्या आना चाहिए, प्लस एक्स। देखिएगा दो नंबर 3 और 2 हैं, क्या है, देखिए माइनस का 3 गुणे 2 और माइनस का 3 नहीं प्लस का 3। देखिए ध्यान से, माइनस 2 गुणे 3, देखिए अभी बताए थे जब हम किसी माइनस और प्लस का जब गुणा करते हैं तो हमेशा माइनस आ जाता है, तो माइनस 6 आ गया। इसी तरह माइनस 2 प्लस 3 जब ऐड करेंगे तो प्लस वाला बड़ा है, इधर प्लस का साइन आएगा और 3 माइनस 2 हो जाएगा, 1 बचेगा, यही तो आएगा। देखिए दोनों मिल गया, माइनस 6 भी मिल गया और 1 भी मिल गया, तो वही दोनों नंबर हो जाएंगे यहाँ पे, यक्स स्क्वायर प्लस, अब कौन कौन से नंबर हैं, एक माइनस 2 है, एक प्लस 3 है, तो लिख दीजिए माइनस 2 प्लस 3 इंटू यक्स लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे माइनस 2 गुणे 3, यहाँ पे लिखिए क्या लिख देंगे, यहाँ पे माइनस 6, माइनस 2 गुणे जब 3 करेंगे तो माइनस 6 मिल रहा है हमें, तो माइनस 6 आप लोग डायरेक्ट रहने दीजिए बराबर 0। ठीक है, बराबर 0 कर दिए, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए x स्क्वायर प्लस माइनस 2 प्लस 3 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस 2 इंटू यक्स, देखिएगा यक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस है, अब पहले x का गुणा माइनस 2 में होगा तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस माइनस इंटू प्लस माइनस, अभी बताएं स्टार्टिंग में, उसको बैक करके वीडियो देखिए पॉज करके, माइनस इंटू प्लस माइनस 2 गुणे यक्स, तो माइनस 2x। अब यहाँ पे प्लस, क्योंकि प्लस प्लस का गुणा होगा तो प्लस आ गया, 3 इंटू यक्स 3x, अब माइनस 6 पहले से बराबर 0। अब देखिए इसमें इसमें क्या कॉमन है, यक्स कॉमन है, यक्स कॉमन है तो क्या बचेगा, यक्स माइनस 2, यक्स कॉमन कर लिए यहाँ से तो यक्स माइनस 2 बच गया। अब यहाँ यहाँ से क्या कॉमन है, प्लस का 3 कॉमन है तो यहाँ बचेगा 3 गुणे 2 6 होता है ना, तो यक्स माइनस 2 बराबर 0। अब देखिएगा यहाँ पे यक्स माइनस 2, इसमें इसमें यक्स माइनस 2 कॉमन है तो यक्स माइनस 2
इंटू एक्स प्लस तीन बराबर जीरो। अब यहाँ पे x माइनस दो को एक बार जीरो के बराबर करेंगे, एक बार x प्लस तीन को जीरो के बराबर, x माइनस दो बराबर जीरो, तो x बराबर, एक तो वैल्यू दो आ गया x की, और x प्लस तीन बराबर जीरो, यानी कि x की वैल्यू एक माइनस तीन आ जाएगा, है ना फ्रेंड। एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर तो उसके बाद कल वाले क्लास में इसको पूरा ख़त्म कर देंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इस पर, है ना। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी पे, आप लोग देखते चलिए साथ में सॉल्व भी करते चलेंगे, ठीक है, चलिएगा। अब एक क्वेश्चन और बोला है, तीन एक्स स्क्वायर प्लस दस एक्स प्लस आठ बराबर जीरो, क्या बोल दिया इस बार, तीन एक्स स्क्वायर प्लस दस एक्स प्लस आठ बराबर जीरो, इसको हमको सॉल्व करना, हल कीजिए, इसमें एक्स की वैल्यू बताइए, एक्स की वैल्यू बताइए। अब देखिए, जो अभी तक तो यहाँ पे आता नहीं था कोई गुणांक, कोई गुणांक यहाँ पे नहीं आता था, गुणांक मतलब फैक्टर, एक्स स्क्वायर का फैक्टर, एक्स स्क्वायर का फैक्टर, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तीन है। उसी तरह पिछले वाले दो क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का फैक्टर गुणांक कितना आया था, वन वन, इसलिए से नहीं कंसिडर किया गया था, लेकिन यहाँ पर कंसिडर करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर का तीन है, तो इस तीन का आठ में गुणा, मतलब इस बार आठ त्रिक चौबीस आना चाहिए, गुणा करने पर आठ त्रिक चौबीस आना चाहिए, और जोड़ने या फिर घटाने पर प्लस का दस आना चाहिए, आठ त्रिक चौबीस आना चाहिए, गुणा करने पर ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिसका गुणा करें तो चौबीस आ जाए, और जिनका प्लस या माइनस करें तो दस आ जाए, बताइए कौन से ऐसे नंबर हैं, कौन से, छः चौको चौबीस, छः प्लस चार, इसी तरह छः गुणे चार करेंगे तो छः प्लस चार कर दिए तो दस आ गया, और छः गुणे चार कर दिए तो चौबीस आ गया, है ना। चलो दो नंबर हमको मिल गया, एक छः मिल गया, एक चार मिल गया, है ना। चलिए यहाँ पर रख देते हैं, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस छः प्लस चार इंटू एक्स प्लस छः गुणे चार बराबर जीरो, हो गया ना, छः चौको चौबीस, आठ त्रिक चौबीस, छः चौको चौबीस मिल गया, छः चार दस मिल गया, बात पक्की हो गई। चलिए आगे चलते हैं, अब यहाँ पे थ्री एक्स स्क्वायर, अब इसी तरह गुणा कर लेंगे, छः का एक्स में करेंगे तो छः एक्स, चार का एक्स में करेंगे तो प्लस चार एक्स प्लस छः गुणे चार बराबर जीरो। अब यहाँ पे देखिए क्या कॉमन है, तीन एक्स कॉमन है, तीन एक्स, यहाँ जब तीन एक्स कॉमन कर लेंगे इन दोनों में, तो तीन एक्स जब बाहर आ जाएगा तो यहाँ बचेगा एक्स, यहाँ बचेगा दो, तीन दूनी छः, एक्स आ जाएगा बाहर और दो बच जाएगा, तीन दूनी छः होता है ना, तो दो ही बचेगा ना, तो देखिए तीन एक्स कॉमन कर लिए तो यहाँ बचेगा एक्स, यहाँ बचेगा तीन दूनी छः, दो बच जाएगा। इसी तरह इसमें इसमें छः सॉरी चार कॉमन है ना, देखिए तो तीन दूनी छः, कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या, छः चौक चौबीस, आठ त्रिक चौबीस, ठीक तो हो रहा है ना, क्योंकि सिर्फ दो बचने चाहिए, आठ त्रिक चौबीस दस, छः चार दस, आठ त्रिक चौबीस, छः चौके चौबीस, छः चौके चौबीस, हाँ ठीक तो है। यहाँ पे तीन एक्स कॉमन कर लिए तो बचा क्या, एक्स और प्लस दो बच गया, ठीक है, तीन दूनी छः, यहाँ से चार कॉमन करेंगे तो एक्स प्लस छः बच रहा है ना, यही गड़बड़ आ रहा है। चलिए देखते हैं कुछ गड़बड़ हो गया क्या क्वेश्चन, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस दस एक्स प्लस आठ बराबर जीरो है, ठीक है, ठीक तो है, फिर कहाँ गड़बड़ आ रहा है। अच्छा एक चीज़ देखिए दोस्त, इसमें गड़बड़ हो गया है ना, यह गड़बड़ हो गया कि हमारा आठ त्रिक चौबीस तो पहले से है, आठ त्रिक चौबीस तो है ना पहले से, तो यहाँ पर छः गुणे चार लिखने का कोई मतलब नहीं है, है ना, छः चौके चौबीस नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे आठ त्रिक चौबीस है, आठ है ही पहले से, तीन यहाँ पे है तो आठ त्रिक चौबीस है, यहाँ पे हम लोग नहीं लिखेंगे छः गुणे चार, है ना, देखिए ये गड़बड़ हो रहा था ना, आठ ही यहाँ पे रहने देंगे। अब देखेंगे, अब देखिए यहाँ पे चार कॉमन हो रहा है, चार कॉमन कर लेंगे तो बचेगा चार दूनी आठ, एक्स प्लस दो, वो मिस्टेक हो गया दिमाग से, पिछला वाला क्वेश्चन चल रहा था दिमाग में, तो कोई बात नहीं, गलतियाँ हो जाती हैं, देखिएगा आप ही लोग से सीखना होता है थोड़ा बहुत हमको, ठीक है, हम आप लोग से सीखते हैं, आप हम लोग हमसे भी सीखते हैं, तो दोनों लोगों से जब दोनों तरफ से उत्क्रमणीय क्रिया चलती रहेगी तब जाके अच्छा रहेगा ना। देखिए तीन एक्स प्लस चार, एक्स प्लस दो कॉमन हो गया यहाँ पे, एक्स प्लस दो जब कॉमन किए तो बच गया तीन एक्स प्लस चार बराबर जीरो, यहाँ पर भी एक्स की दो वैल्यू आएंगी, एक तीन एक्स प्लस चार बराबर जीरो करेंगे तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, इधर जाएगा माइनस चार हो गया, एक्स का वैल्यू कितना आ गया माइनस चार बटे तीन आ गया, और यहाँ पे एक्स प्लस दो है, एक्स प्लस दो बराबर जीरो, यानी कि एक्स की वैल्यू माइनस दो,
तो यहाँ पे दो वैल्यू मिल गए। अब इसको रख के इसमें संतुष्ट कर सकते हैं, इसको प्रूव करना हो अगर किसी को तो कर सकते हैं। अब कल बाकी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, आज कुछ जनरल चीज़ें हम लोग जान लिए कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, है ना। तो कल हम लोग इसके बारे में सारा क्वेश्चन जो बचा हुआ उसको करेंगे, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आप लोग इससे अगर संतुष्ट हैं, संतुष्ट तो होंगे ही, अगर संतुष्ट हो गए हैं तो शेयर करिए और सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं तो अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को। और बाकी क्लासेस अगर आप लोग में से ही फॉर्म तो भरे ही होंगे रेलवे SSC या फिर रेलवे के तो भरे होंगे फॉर्म, तो रेलवे का जैसे हो गया UPSC के भी बहुत सारे लोग फॉर्म भरते हैं जो लोग टीचर वगैरह की तैयारी करते हैं, तो आप लोग भी आइए वहाँ पर, ज्योग्राफी पूरा डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, आप लोग जाइए और बिल्कुल बेसिक से सीखिए दोस्त, ठीक है। कहीं भी बहुत यूट्यूब पर ढूंढिएगा, बहुत मुश्किल से ही मिलते हैं कभी जो बेसिक से शिक्षा देते हों, फ्री में पढ़ाते हों बेसिक से, तो हर एक चीज़ आप लोग को यहाँ पे बेसिक से स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। जैसे DLET का सारा मैथ अब तो कगार खत्म होने पे आ गया है, लगभग 13वां इकाई, इसी तरह जियोग्राफी पूरा खत्म हो जाएगा, 6 से 7 लेक्चर जा चुका है, ठीक है, और 8-9 लेक्चर के करीब जा चुका है, आप लोग उसको चेक करिएगा, है ना। और काफ़ी ट्रिक के मैथ के वीडियो हैं, आप लोग उसको देखिए। GK के अवार्ड्स हैं, मैम पढ़ाती हैं वन लाइनर, उसको देखिए। अनुज सर और हम मिलकर दिल्ली पुलिस का सोल्यूशन करा रहे हैं आगे आने वाले समय में, मतलब कि 2-3 दिन में स्टार्ट हो जाएगा आपका। रेलवे का सारा, रेलवे के जितने भी सोल्यूशंस होंगे सब हम लोग कराएंगे, ठीक है दोस्त। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।